हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम एक अनोखे और धमाकेदार टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज होने वाला है एक जबरदस्त सफर जो आपको जरूर पसंद आएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप आज इस वीडियो में कुछ ऐसे स्टेप्स जानेंगे जो आपको गाँव में मोबाइल शॉप शुरू करने के लिए काफी ज्यादा मदद करेगा। दोस्तों, जब कोई आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस के लिए सबसे पहले आपको मार्केट रिसर्च कर उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। अपने गांव या आसपास के गांव में मोबाइल फोन्स, एसेसरीज और सर्विसेज की डिमांड को समझे, देखे कि कितने लोग स्मार्टफोन्स का यूज कर रहे हैं और किन चीजों की उन्हें जरूरत है। और आपको अपने कॉम्पिटिटर को भी देखना पड़ेगा। दोस्तों, गाँव में अगर कोई एग्जिस्टिंग मोबाइल शॉप है तो उसकी स्टडी करें, समझे कि वो किन प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं और उनके प्राइसेस क्या है। आप अपने बिजनेस को उनसे कैसे डिफरेंट कर सकते हैं ये भी सोचना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों वो आपके कॉम्पिटिटर है। आप उनसे अपना बिजनेस जितना ज्यादा रखेंगे आप उतने ही फायदे में रहेंगे, उतना ही प्रॉफिट होगा आपके बिजनेस में। आपके पास कितना इन्वेस्टमेंट इनिशियल चाहिए? दोस्तों, जब कोई आप अपना बिजनेस ओपन कर रहे होते हैं तो इसमें आपको बजट और एक इन्वेस्टमेंट प्लान भी बनाना पड़ेगा, जिसमें कितनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए, जैसे शॉप रेंट में, स्टॉक परचेस करने में, इंटीरियर डिजाइन करने में, और कितना पैसा आपके पास अवेलेबल है। इसको प्लान करें। आपको लगभग 1 से 2 लाख रुपए का बजट शुरुआत में चाहिए ही होगा, और ये बजट आपके डिपेंड करता है लोकेशन में, आप किस लोकेशन में अपना बिजनेस ओपन कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप अपना बिजनेस गांव में ओपन कर रहे हैं तो आपको गांव के ऐसे एरिया में शॉप ओपन करनी चाहिए जहां लोगों का आना जाना ज्यादा हो, जैसे गांव का मार्केट एरिया या बस स्टॉप के आसपास। इससे आपको ज्यादा फुट ट्रैफिक मिलेगा और कस्टमर्स इसीलिए पहुंच पाएंगे आपके शॉप तक। और दोस्तों, आपको शॉप का साइज और स्पेस ध्यान में रखकर ही अपने बिजनेस शॉप ओपन करनी चाहिए। दोस्तों, जब आप अपनी शॉप ओपन करते हैं तो इसमें आपको ये भी बात ध्यान में रखनी होगी कि आपके शॉप का साइज और स्पेस क्या होना चाहिए। शॉप का साइज मीडियम होना चाहिए, जिसमें प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करने के लिए सफिशिएंट स्पेस हो और कस्टमर्स के लिए कंफर्टेबल शॉपिंग एक्सपीरियंस हो। गांव में ज्यादातर लोग लो बजट या मिड रेंज स्मार्टफोन्स प्रिफर करते हैं, जैसे सैमसंग, एक्सोमी, रेडमी, रियलमी, वीवो जैसे ब्रांड्स के मोबाइल रखें जिनकी डिमांड हाई होती है। ईयरफोन्स, चार्जर्स, मोबाइल कवर्स, स्क्रीन गार्ड्स, मेमोरी कार्ड्स। और दोस्तों, आपको पता ही है कि गांव में अक्सर कर बिजली की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, तो आपको ये सभी चीज देखते हुए एक पावर बैंक भी अपने शॉप में रखना ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों इनकी डिमांड हमेशा ही होती है। गांव में देखा जाए कुछ लोग अब भी फीचर फोन्स, बेसिकली देखा जाए कीपैड मोबाइल्स अब भी यूज करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये आप अपने स्टॉक में रखते हैं, आप टेलीकॉम कंपनियां जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया का मोबाइल रिचार्ज प्लान्स और सिम कार्ड्स बेचकर एडिशनल इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास रिपेयरिंग का स्किल है, अगर आपके पास ना हो तो आपके किसी एम्प्लॉयज के पास रिपेयरिंग का स्किल है तो ये सर्विस जरूर ऑफर कर सकते हैं। गांव में मोबाइल रिपेयर की डिमांड होती है क्योंकि वहां रिपेयर सेंटर कम होते हैं। मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट करना, डाटा बैकअप या मोबाइल फॉर्मेटिंग जैसी सर्विस प्रोवाइड करके आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। पुराने फोन्स को एक्सचेंज में लेकर नए फोन सेल करना भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, आपकी शॉप जितनी अट्रैक्टिव होगी, जितनी अच्छी डेकोरेट होगी, उतना ही ज्यादा आपके लिए कस्टमर्स आएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं शॉप सेटअप और डेकोरेशन कि आप कैसे अपने शॉप को डेकोरेट कर सकते हैं। मोबाइल फोन्स और एसेसरीज का प्रॉपरली डिस्प्ले करें, एक ग्लास शोकेस में लेटेस्ट मॉडल्स का हाईलाइट करें और प्राइस टैग्स विजिबल रखें। इससे कस्टमर्स को चीजों को देखकर चूज करने में आसानी होगी। शॉप के बाहर एक अट्रैक्टिव बोर्ड लगाएं जो क्लियरली बताए कि आपके शॉप में मोबाइल फोन्स और एसेसरीज अवेलेबल है। आप डिस्काउंट ऑफर और न्यू अराइवल्स को भी एडवर्टाइज कर सकते हैं।
आपकी शॉप क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए ताकि कस्टमर्स को अच्छा एक्सपीरियंस मिले और वो बार बार आना पसंद करें। शॉप ओपन करने के बाद आपको मार्केटिंग और प्रमोशन भी करना होता है। दोस्तों, गांव में वर्ड ऑफ माउथ बहुत इफेक्टिव होता है। शुरुआत में अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और नियर बाय विलेज को बताएं कि आप मोबाइल शॉप ओपन कर रहे हैं। सेटिस्फेक्शन मिलने पर लोग आपकी शॉप में रिकमेंडेड करेंगे। आप लोकल न्यूज़पेपर्स या पॉम्पलेट्स के थ्रू भी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। गांव के इवेंट्स या गैदरिंग में अपनी शॉप के ऑफर्स आप प्रमोट कर सकते हैं। शुरुआत में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल डिस्काउंट या फ्री एसेसरीज के ऑफर्स दे सकते हैं, जैसे नए फोन खरीदें और स्क्रीन गार्ड फ्री पाएं। आप ऑफर्स दे सकते हैं जिससे आपके कस्टमर्स आपकी शॉप में आने के लिए अट्रैक्ट हो, आकर्षित हो। अगर आपके गांव के लोग सोशल मीडिया लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट्स और ऑफर्स वहां भी प्रमोट कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स या फेसबुक पेज का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आप कस्टमर्स के साथ पोलाइट और हेल्पफुल रहिए, उनकी जरूरतों को समझे और उन्हें बेस्ट ऑप्शन सजेस्ट करें। अच्छी सर्विस के वजह से वो आपके रिपीट कस्टमर्स बनेंगे। रेगुलर कस्टमर्स से फीडबैक लें, इससे आप अपनी सर्विस और प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि गांव में प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स होते हैं, इसलिए आपको अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस रिजनेबल रखना होगा। प्रोडक्ट्स का प्राइस मार्केट के हिसाब से एडजस्ट करें ताकि आपको प्रॉफिट भी हो और कस्टमर्स भी सेटिस्फाइड रहें। मोबाइल फोन्स पर प्रॉफिट मार्जिन जनरली 5-10% होता है, जबकि दोस्तों एसेसरीज पर 20-50% मार्जिन मिल सकता है। रिपेयर्स और सर्विस पे भी अच्छा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका मोबाइल शॉप सक्सेसफुल हो रहा है तो फ्यूचर में आप अपनी शॉप का साइज बढ़ा सकते हैं और दूसरे प्रोडक्ट्स जैसे कि टीवी, लैपटॉप्स या होम अप्लायंसेस बेचने का प्लान भी कर सकते हैं। आप किसी एग्जिस्टिंग मोबाइल ब्रांड के फ्रेंचाइजीज के रूप में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं, वो भी आसानी से। लास्ट है दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। गांव में भी आपको लोकल अथॉरिटीज से अपने शॉप का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है, इसीलिए शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल फोन्स और एसेसरीज बेच रहे हैं तो GST रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी होगा ताकि आपको लीगली गुड्स सेल करने की अथॉरिटी मिल सके। और दोस्तों, आजकल तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जमाना ही आ गया है, तो आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन को मैनेज करने के लिए एक स्प्रीट बैंक अकाउंट खोलना बेटर होगा, जिससे इजीली आपके पेमेंट ट्रांसफर हो सके। दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो गांव में मोबाइल शॉप बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको मार्केट डिमांड समझनी होगी, सही प्रोडक्ट्स स्टॉक करने होंगे और कस्टमर सर्विस पे फोकस करना होगा। अगर आपके स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसिंग और कंसिस्टेंस मार्केटिंग करें तो आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो सकता है और लोग आपके शॉप पर बार बार आएंगे। दोस्तों, जिंदगी एक सफर है और हर एक कदम एक नया चैलेंज है। बिजनेस प्लान तो सिर्फ शुरुआत है, असली मजा तो तब आएगा जब आप उस प्लान को एक्शन में बदलोगे। सोचो मत, बस शुरुआत कीजिए और देखिए कैसे आसमान छू सकते हैं आप सब कुछ कर सकते हैं। बस विश्वास रखिए अपने पर और अपने सपनों पर। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।